हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। कैसे हैं फ्रेंड, उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आप सभी को मालूम है कि स्नातक पास छात्राओं को एकमुश्त 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप की राशि दी जाती है ताकि वह आगे की पढ़ाई कर सके बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा तथा कन्या उत्थान योजना के तहत। यहाँ पर मैं सुबह में एक वीडियो बनाया था और आपको डिटेल्स में पॉइंट पॉइंट हर बात को क्लियर किया था। उसके बाद एक बार फिर से बहुत सारे छात्राओं का कमेंट आया जिसका जवाब देना जरूरी है। फ्रेंड, यहाँ पर एक बार मैं फिर कहूँगा कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि सुबह के वीडियो में मैं आप सभी को जितना भी पॉइंट होता है सभी को मैं क्लियर किया था। उसके बाद भी आप सभी ने पूरा वीडियो नहीं देखा और कमेंट किया, इसलिए आप सभी को दोबारा वीडियो देखना पड़ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर एक एक करके आपके उन सभी सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं सुबह के वीडियो में बताया था कि आप सभी को अपने कॉलेज में जाकर के एक फॉर्म को भरना होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे छात्राओं का तरह तरह का कमेंट आया है। चलिए यहाँ देख लीजिए कि क्या क्या कमेंट आया है, उसके बाद में आप सभी को जवाब दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्म कहाँ मिलेगा। मैं आपको उस वीडियो के भी माध्यम से बताया था कि फॉर्म जो है आपके कॉलेज में मिलेगा। उसके बाद दूसरा सवाल है, फॉर्म में क्या क्या भरना है। तीसरा सवाल है, क्या जिसका लिस्ट में नाम होगा वही फॉर्म भरेगा। यानी कि आप सभी को मालूम है कि कन्या उत्थान योजना का फॉर्म भरने के लिए आपका मेघा सॉफ्ट की वेबसाइट पर लिस्ट में नाम होगा, तभी आप कन्या उत्थान का फॉर्म भर सकती है। यहाँ जेपी यूनिवर्सिटी के साथ कुछ अलग ही हुआ है, चलिए मैं विस्तार से आपको आगे चर्चा करूँगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं अगला सवाल है कि क्या स्टूडेंट ही फॉर्म को भरेगी या कोई दूसरा भी भर सकता है। उसके बाद अगला सवाल है, रिजल्ट अभी नहीं आया है तो फॉर्म को कैसे भरेंगे। चलिए फिर इन सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि कन्या उत्थान योजना से संबंधित जो भी जानकारी है आप सभी को सबसे पहले मिल सके। फिर आप सभी को मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपके पास एक टेलीग्राम ऐप होना चाहिए। अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मैं टेलीग्राम ऐप को ओपन करता हूँ। देखिए फ्रेंड, जब टेलीग्राम को ओपन करेंगे तो इस तरह से आपका सर्च बॉक्स आएगा। इसमें आप लोग सर्च करेंगे एसके, उसके बाद स्पेस देंगे SOHU सोनू, उसके बाद टेक TECH टेच, उसके बाद वर्ल्ड WORLD एसके सोनू टेच वर्ल्ड। इसको आप लोग सर्च करेंगे तो इस तरह से मेरा लोगो आएगा। तो यहाँ पर आप सभी को क्लिक करना होगा। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं, मैं सुबह में वीडियो जो बनाया था इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी को बताया था। ये जो नोटिफिकेशन है, पेपर का कटिंग है, दैनिक जागरण पेपर का कटिंग है, 20 सितंबर 2023 छपरा एडिशन। तो आप सभी सबसे पहले इस पेपर कटिंग को डाउनलोड यहां से आकर के कर लेंगे और चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेंगे ताकि आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आए आप सभी को जरूर मिल सके। चलिए अब यहां से हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहां हम आ चुके हैं नोटिफिकेशन पे। चलिए एक बार मैं फिर से नोटिफिकेशन को पढ़ता हूँ ताकि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। यहाँ देख सकते हैं, बताया गया है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के छपरा सिवान एवं गोपालगंज के अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय से सत्र 2018-21 में उत्तीर्ण छात्राओं को कन्या उत्थान योजना के लाभ के लिए कॉलेज में फॉर्म जमा करना होगा। उसके आगे इसमें बताया गया है, इस संबंध में कन्या उत्थान योजना के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर मोहम्मद कमाल अहमद ने बताया कि वे आज शिक्षा विभाग में कन्या उत्थान योजना के पदाधिकारी से बात किए हैं और उनकी बातों को प्राथमिकता देते हुए एक बार पुनः मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का डाटा अपलोड किया जाएगा। इसके लिए छात्राओं को फॉर्म भरकर 3 दिन के अंदर महाविद्यालय में जमा करना है, तब छात्राओं को 50,000 की राशि मिलेगी। इस बार नए फॉर्मेट में डाटा अपलोड करनी है। इसमें 3 अतिरिक्त विवरण अपेक्षित है, इनमें जन्मतिथि, आधार संख्या और मोबाइल नंबर। सभी छात्राएं अपने महाविद्यालय के परिचार को 3 दिन के अंदर उपयुक्त विवरण उपलब्ध करवा दे, जिससे संबंधित महाविद्यालय के प्रचार अपेक्षित दाता कन्या उत्थान सेल को भेज सके। यहाँ पर देख सकते हैं, छात्राएं फॉर्म महाविद्यालय से प्राप्त कर सकती है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक एक करके मैं आपके सभी सवालों का जवाब देता हूँ। आपको मैं एक बार फिर बताता हूँ कि कन्या उत्थान योजना का फॉर्म तभी अप्लाई होता है जब मेघा सॉफ्ट के वेबसाइट पर आपका डाटा अपलोड होता है।
आपको एक बार मैं फिर बताता हूँ, सुबह में भी बताया था, एक बार मैं फिर यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग के द्वारा फरवरी महीने में कन्या उत्थान योजना का मेघा सॉफ्ट का वेबसाइट ओपन किया गया था ताकि जेपी यूनिवर्सिटी स्नातक पास सेशन 18-21 छात्राओं का डाटा अपलोड कर सके, लेकिन जेपी यूनिवर्सिटी डाटा वहां पर अपलोड नहीं किया, जिसके कारण अभी कन्या उत्थान योजना का फॉर्म भरा जा रहा है। वहां पर छात्राएं यानी कि जेपी यूनिवर्सिटी के छात्राएं जब अपना नेम को सर्च कर रही है तो रिकॉर्ड नोट फाउंड लिख रहा है। लिखेगा तो क्यों नहीं लिखेगा, क्योंकि आपका डाटा मेघासॉफ्ट के वेबसाइट पर अपलोड हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर एक बार फिर से शिक्षा विभाग के द्वारा मेघासॉफ्ट के वेबसाइट पर डाटा अपलोड करने के लिए खोला गया है, तो आप सभी को अपने महाविद्यालय में जाना होगा। महाविद्यालय में जाना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं मात्र आपको 3 दिन का ही समय दिया गया है। आज है 20 सितंबर 2023। 3 दिन के अंदर आप सभी अपने महाविद्यालय से ही एक फॉर्म को प्राप्त करेंगे, यानी कि आपका जिस कॉलेज में एडमिशन था उस कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपने कॉलेज से एक फॉर्म को मिलेगा। फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इसमें बताया गया है। फॉर्म में बताया गया है कि आपको जन्म तिथि उसमें भरना है, आधार संख्या भरना है तथा मोबाइल नंबर वहाँ पर आपको भरना है, तथा भर के अपने कॉलेज में ही जमा कर देना है ताकि आपका जो डाटा है वह यूनिवर्सिटी में जाए। यूनिवर्सिटी आपका डाटा को मेघासॉफ्ट के वेबसाइट पर अपलोड करेगा। ये इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आगे और सवाल है कि क्या छात्राएं ही कॉलेज में जाएगी या कोई दूसरा भी जाकर के फॉर्म को भर सकता है? तो फ्रेंड यह तो कॉलेज पर डिपेंड है, कॉलेज आपका क्या कहता है। अगर कॉलेज बोलेगा कि छात्राएं को लाइए तो आप सभी को जाना होगा, नहीं तो अगर कोई जाएगा तो ये तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड है क्या होने वाला है, आप सभी जाकर के कॉलेज में मालूम कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट है, अगला सवाल है कि क्या जिनका लिस्ट में नाम होगा वही फॉर्म भरेगा? तो फ्रेंड यहाँ पर आपको मैं कितना बार बताऊँ, एक ही बात को मुझे समझ में नहीं आता है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक आपका मेघासॉफ्ट के वेबसाइट पर डाटा अपलोड नहीं होगा तब आप फॉर्म नहीं भर सकती है। यह जो फॉर्म भरवाया जा रहा है मेघासॉफ्ट पर आपका डाटा अपलोड करने के लिए ही फॉर्म को भरवाया जा रहा है ताकि आपका मेघासॉफ्ट के वेबसाइट पर डाटा को अपलोड किया जा सके, उसके बाद आप लोग कन्या उत्थान योजना का फॉर्म भरेंगी। उसके बाद देखिए एक और यहाँ पर सवाल है कि अभी जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो लोग कैसे फॉर्म को भरेंगे? तो फ्रेंड जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप लोग फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल एक और है, बहुत सारे छात्राओं का ये भी कमेंट आया कि उनका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों क्लियर है। पार्ट 2 के चलते यानी कि पार्ट 2 उनका प्रमोटेड था और पार्ट 3 पास कर गई थी, फिर पार्ट 2 पास कर गई है जिसके कारण उनका रिजल्ट पेंडिंग शो कर रहा था, उनका अभी मार्कशीट नहीं मिल रहा है, तो आखिर वो लोग कैसे फॉर्म को भरेंगे? तो फिर आप सभी जा करके यूनिवर्सिटी में कॉन्टेक्ट कीजिए और जल्द से जल्द मार्कशीट लेने के लिए एक अप्लीकेशन डालिए ताकि आप सभी का मार्कशीट मिल सके और आप इस योजना का लाभ ले सके। चलिए फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।